મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે સાસણગીર અને દેવળિયા ખાતે ફોરેસ્ટ અને પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા 35 કરોડના વિકાસ કામોની વણઝાર બાળકો યુવાથી લઈને વૃદ્ધો સુધી દરેકના મનોરંજનની ખાસ તકેદારી રાખી પ્રવાસન ક્ષેત્રને વિકસાવવામાં આવશે દેવળિયા પાર્ક માટે 2.5 કરોડથી વધુના ખર્ચે સહેલાણીઓ માટે ખાસ સુવિધાયુક્ત બસ શરૂ કરાશે 5 ટ્રાન્સપરન્ટ બસને પ્રવાસન મંત્રીએ લીલી ઝંડી આપી જૂનાગઢ આવનારા દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રને પ્રવાસન હબ તરીકેના વિશ્વના ફલક પર મૂકવા રાજ્યના પ્રવાસન મંત્રીએ આજે સાસણગીર અને દેવળિયા પાર્ક ખાતે અંદાજે 35 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે થતા વિકાસ કામોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જવાબદાર અધિકારીઓના જરૂરી સૂચનો કર્યા હતા ઉપરાંત દેવળિયા સફારી પાર્ક ખાતે પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે 5 ટ્રાન્સપરન્ટ બસને લીલી ઝંડી આપી હતી આ ઉપરાંત બસમાં અધિકારીઓ અને સ્થાનિક પદાધિકારીઓ સાથે સાસણથી લઈ દેવળિયા પાર્ક સુધીનો પ્રવાસ પણ કર્યો હતો આ અંગે વિસ્તૃત અહેવાલ અનુસાર સાસણ ખાતે પ્રવાસન વિભાગ અને વન વિભાગ દ્વારા પ્રવાસીઓના કલ્ચરને ધ્યાનમાં રાખી પરિવાર સાથે સાસણની મુલાકાતે આવતા બાળકો યુવાઓ અને વૃદ્ધો આમ ત્રણેય જનરેશન મુક્ત અને આનંદ માણી શકે તે માટે સાસણ તેમજ દેવળિયા ખાતે અલગ અલગ સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં સાસણ ખાતે મગર ઉછેર કેન્દ્ર હતું ત્યાં બાળકો માટે કિડ્સ પાર્ક ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે જ્યાં ખાસ કરીને બાળકો માટે થતા શૈક્ષણિક પ્રવાસ માટે ટેન્ટની સુવિધા ઊભી કરી બાળકો નેચરની વચ્ચે રહી તેને સમજી શકે અને તેમના માટેનું જ્ઞાન તેમને મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે આવી જ રીતે વૃદ્ધો માટે જંગલની વચ્ચે મુક્ત અને जो गिर लैंडस्केप है उसके जब भी कोई टूरिस्ट या कोई भी विजिटर आता है तो सबसे जो पहली चीज़ देखता है सासन है तो सासन एक ऐसा पॉइंट है कि कोई भी आया तो ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट है और यहाँ से सारी जो भी सफारी या जो भी आगे की एक्टिविटीज़ होती है अपने वैसे देखें तो साल के लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट इस प्लेस को विजिट करते हैं जो कि ऑफिशियली परमिट लेकर के और जाते हैं और उस तरह का ये है उस सभी को देखते हुए अपने जो सरकार है उसने काफ़ी इसको महत्व दिया और एक शासन विकास जो हो उसके लिए एक प्रोजेक्ट किया उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे काफ़ी सारे अपने काम चल रहे हैं उसी काम में से आप देख पा रहे हैं कि जैसे बस आज 5 बस का लॉन्च किया है और 5 बस अभी फैब्रिकेशन में है तो आ जाएगी तो 10 बस एक जो आधुनिक सब कुछ लेटेस्ट वाली बस है और उससे क्या होगा एक टूरिस्ट को अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा आप बस देखिएगा पूरा उसका डिज़ाइन और किस तरह से क्या है और गिर की पूरी वाइल्ड लाइफ को देखते हुए पूरा सब बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया इवन स्काई व्यू भी आ सकता है एक ये था दूसरा सिंह सदन का विकास है जैसे टूरिस्ट आया तो ओपन स्पेस कितना होना चाहिए उसको जो हम बात कर रहे हैं हमारा टूरिस्ट स्पॉट इतना अच्छा है और पूरे वर्ल्ड में एसीटी क्लाइंट सिर्फ यहीं मिलते हैं तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी लेवल का होना चाहिए तो वो भी एक डेवलप हो रहा है फिर उसी के पास में जो अपना है कैंप साइट है जिसको बोलते हैं गिर नेचर एजुकेशन कैंप साइट जो बच्चे हैं जो यंग जनरेशन आ रही है उनके लिए भी ध्यान रखा गया है उनको भी एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक नेचर से लगाव हो नेचर के साथ वो जुड़े तो वो सब भी विकास में डेवलप करने के लिए उसी प्रोजेक्ट के तहत में वो काम लिया गया है फिर जो तीसरा पॉइंट आता है गिर आर्बोरेटम एंड बर्डिंग पॉइंट है जिसके अंदर में हमने ट्रेल्स लेआउट किए हैं जैसे कुछ और पूरा फैमिली के साथ है किसी को पूरा दिन बिताना है या गिर का जो देखना है रिप्रेजेंटेटिव ट्री क्या है बर्ड्स क्या है
और पैदल घूमना है, तो ये सब एक्टिविटीज उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो भी एक पॉइंट का डेवलप हो रहा है, उसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज जितनी चाहिए वो सब रखा गया है। फिर वहाँ से आप आओगे देवलिया आते हैं, तो देवलिया एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और काफ़ी सारी जो इको टूरिज्म की जो डिमांड है जैसे देखते हैं तो यहाँ से पूरी होती है। इसको देखते हुए देवलिया में भी बहुत अच्छे विकास, जो बाहर का जो हमारा एरिया उसको विकास का काम लिया गया है, जिसमें से आप देखेंगे बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज है, हमारा बुकिंग ऑफिस है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, एक 30 मीटर का ऊंचा व्यू पॉइंट आएगा जहाँ से आप सफारी पार्क को देख सकते हैं। कि जो भी टूरिस्ट आया तो यहाँ एक होलिस्टिक और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट लिया गया है और अभी काम चल रहा है और जल्दी ही ये पूरा होने की आशा है।